मेरे युवा साथी सभी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रोग्राम को कराने वाले हमारे छोटे भाई चौधरी आजाद सिंह छिल्लर जी, हमारे बड़े भाई चौधरी नवीन जी, इन्होंने इस प्रोग्राम में बुलाकर जो मुझ पर उपकार किया है, मैं इनकी टीम को और इनको भी दिल की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूँ, नंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी पूर्व में बहुत वक्ता कह रहे थे कि समाज को एकजुट करना है, लेकिन सम्मानित साथियों, भाषण देने से समाज एकजुट क्यों होगी? मैंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, जहां सबसे ज्यादा हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी में जाते आते हैं, मुजफ्फरनगर से लेकर जनपद आगरा तक अपनी समाज के लिए संघर्ष किया है। सम्मानित साथियों, जो मेरे नाम से परिचित नहीं है, मेरे चेहरे से परिचित नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरे राष्ट्रीय जाट एकता संगठन के माध्यम से सभी लोग जानते होंगे, मैं जमीनी स्तर पर काम करता हूं, भाषाबाजी बहुत कम करता हूं। हम लोगों को जब तक एक संकल्प नहीं लेंगे कि भाई हमको समाज को कैसे एकजुट करना है, भाषण देने से हमारी समाज एकजुट नहीं होगी। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जाट समाज में इतने संगठन बन चुके हैं, सत्तर में आपस में फूट बनी हुई है, कम से कम 70-75 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब सम्मानित साथियों, इतने राष्ट्र अध्यक्ष होंगे तो जाहिर सी बात है कि एका होने का मतलब नहीं है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जितने भी यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं, जिन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं, या समाज की सोशल मीडिया पर बात रखते हैं, या जमीनी स्तर की लड़ाई अपनी समाज के लिए लड़ते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा और उनकी चरण वंदना भी करूंगा कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और एक संगठन चुन ले, सारे संगठन उसमें विलय कर दे, अपने आप हमारी ताकत बन जाएगी। सम्मानित साथियों, मैं पहले भी बीच में यहाँ आया था, आज से महीना भर पहले नवीन भाई से मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले अपने संगठन को विलय करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, अगर कोई आदमी ये ऊपर टिप्पणी उठाए कि अध्यक्ष जी आप अपना विलय कर दो, तो मैं सबसे पहले अपना विलय करना चाहता हूँ, कोई भी भाई आए समाज के लिए काम करने के लिए। लेकिन ऐसे काम नहीं होगा। मैंने देखा है सम्मानित साथियों, सोशल मीडिया पर राष्ट्र अध्यक्षों की पोस्ट पड़ती रहती है, छोटी पोस्टें पड़ती है, काम जमीनी स्तर पर हमारे भाई लोग करते हैं, हमारी मातृशक्ति करती है, और हमें उसी में बैठ के उनकी फोटो लेके अपने संगठन के नाम से पोस्ट डाल देते हैं, तो ऐसे समाज को एकजुट नहीं कर पाएंगे। सम्मानित साथियों, हमारी समाज क्यों पिछड़ रही है? सिर्फ इसलिए पिछड़ रही है कि अभी मेरे साथ में 30-40 साथी मेरे अलीगढ़ से और भरतपुर से चल के आए, मेरे साथ पूरी टीम मेरी आई हुई है। कुछ लोगों ने भी हमसे कहा कि अध्यक्ष जी अगर गाजियाबाद जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हमारा जवाब उन साथियों के लिए था, समाज का प्यार और एकता आपको मिलेगी, मातृशक्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारी समाज में एक धारणा पैदा हो रही है, और अक्सर करके मैं देख रहा हूं हमारी युवा शक्ति में, हमारे बुजुर्ग तो बहुत तादाद में आ जाते हैं, लेकिन हमारी युवा शक्ति आज की सरकार की लॉलीपॉप पर ऐसी फैल गई है, ऐसी फसल गई है, कि वो अपनी समाज को, अपने बुजुर्गों को, अपनी मातृशक्ति को बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि भाई समाज का प्रोग्राम है तो नहीं जाएंगे, और उनसे ये कह दिया जाए कि भाई बीजेपी के खिलाने नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है 2 दिन पहले से वो खाना पानी छोड़ देंगे। अरे मैं ये नहीं कहता आप पार्टी में न रहे, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, लोकदल में रहे, क्योंकि राजनीति भी हमारा मूल अधिकार है। जब तक हम लोग राजनीति पर सत्ता पे काबिज नहीं होंगे तो अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं अगर समाज की बात आती है तो वहां समाज के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज संकल्प ले लो कि जैसे हमारे छोटे भाई आजाद सिंह छिल्लर जी ने ये प्रोग्राम कराया है, इसी तरीका से हर जनपद में ये संकल्प लेके जाए कि जाट समाज को एकजुट करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम कराए, शहरों में नहीं हो, गांव में कराए, तहसील स्तर पर कराए, जिला स्तर पर कराए, ब्लॉक स्तर पर कराए। तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे जब तक समाज हमारी एकजुट नहीं हो जाएगी। हारना नहीं चाहिए सम्मानित साथियों, अगर हम लोग हार गए तो शायद फिर आने वाले
पीढ़ी हमारी कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, बच्चे पैदा होते हैं अंडरवियर पहन लेते हैं। शायद मेरी उम्र 46 की है, जब मैं पैदा हुआ तो 12 साल तक हम लोगों ने अंडरवियर देखा भी नहीं था कैसा होता अंडरवियर, और आज के बच्चे पैदा होते हैं अंडरवियर पहन लेते हैं। तो ये सब सोशल जमाना है, मीडिया का जमाना है, इस जमाने से हटकर हमको पुनः विचार करना होगा अपने बुजुर्गों की नीति पर। जिन बुजुर्गों ने हमें जन्म दिया, हमें संस्कृति दी और जो समाज में पैदा किया, सम्मानित साथियों, उनकी इज्जत को ख्याल रखते हुए आपको संघर्ष करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे हमारे बड़े भाई साहब कि जाट बहुत ज्यादा बिखर चुका है, और बिखरने का कारण भी है कि हम लोग एक दूसरे की बात को सम्मान नहीं देते हैं और न बात सुनने के लिए तैयार हैं। अभी अगर पड़ोस का थाना है कोई और हम दो भाई लड़ रहे हैं, और वहां एससी का अगर कोई दरोगा है तो हम उससे बाबूजी भी कहेंगे और उसके जूते भी खाएंगे और 20,000 रुपए भी लेके आएंगे कि बाबूजी ने हमारे बहुत अच्छा काम कर दिया, मुझे छोड़ दिया। लेकिन सम्मानित साथियों, अगर तुम में एकता होगी और अगर हमारे किसी भाई को नाजायज किसी थाने में फंसाया जाएगा और आप 50 भाई इकट्ठे होकर चले जाएंगे तो उस कोतवाली की हिम्मत नहीं कि वो तुमसे कुछ गदर कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा। अभी मैंने जनपद अलीगढ़ में टप्पल में भी कांड हुआ था, बहुत छोटी सी नन्ही पड़ी थी, सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण समाज से थी, बहुत से लोगों ने मेरे पर टिप्पणी करी कि भाई बेटी ब्राह्मण की और जाट क्यों आगे पढ़ रहे। तो मैंने कहा हनुमान जी दूसरी की बहू के लिए आगे पढ़ गए तो हम क्या क्यों नहीं पढ़ते, भाई नन्ही सी पड़ी है। सम्मानित साथी, उन सब पर बैठ गया और जब तक प्रशासन को नामस्तक नहीं कर दिया और मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करा लिया जब तक अनशन पर कंटिन्यूस बैठे रहे हम लोग। तो हम लोगों को इस तरीका से आगे बढ़ना है कि जिस तरीका से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो खून बहाया था और आज उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, उसी खून को लेके आगे बढ़ना है। सम्मानित साथियों, अभी खून हमारा इतना ठंडा नहीं हुआ कि अन्य बिरादरी हम पे हावी हो जाए। मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा बिरादरियों पर, भाईचारे की हम लोग बात करते हैं, लेकिन भाईचारे में 35 बिरादरियों से सिर्फ हमको छेका जाता है। अभी एक हरियाणा का सुवर हमारी जाट समाज को इतनी गंदी गाली दे रहा था कि इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं उन सुवरों तक भी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वो अपनी समाज में न पैदा होकर जिस मां ने जन्म दिया उसको, उस मां की कोख को उसने कलंकित कर दिया एक समाज को गाली देकर। ऐसे सुवरों से सावधान रहना है और मिलकर उन सुवरों को खदेड़ना है। सम्मानित साथियों, अपनी वाणी को विराम दूंगा, वक्ता बहुत है बीच में और भी बहुत काम है सभी का। फिर दोबारा से मैं चल्लर भाई की टीम का आभार व्यक्त करता हूं और दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जाट एकता, जिंदाबाद।